सत श्री अकाल, मैं इरशाद और एक बार फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने अपने इस चैनल पर आया हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी एयरटेल एक्सट्रीम का फाइबर का कनेक्शन यूज कर रहे हैं और आपके एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से अननोन लोग कुछ कनेक्ट हो चुके हैं जिन्होंने आपने जिनको अपने वाईफाई का पासवर्ड नहीं दिया है, तो दोस्तों ऐसे लोग को अपने इस राउटर में ब्लैक कलर के एयरटेल एक्सट्रीम के राउटर में किस तरीके से ब्लॉक करते हैं अपनी वाईफाई की सेटिंग में जाके, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आपने अपना वाईफाई का पासवर्ड नहीं दिया है बट पता नहीं किस तरीके से वो लोग आपके वाईफाई को यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में उनको ब्लॉक करने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे, इसके लिए आपको ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपके एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर में अननोन डिवाइसों को हम कर सकते हैं ब्लॉक। तो दोस्तों इसको बताने के लिए मैं अपना जिस मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ इसी मोबाइल से मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे ब्लॉक करें एज अ एग्जांपल के तौर पे। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल पे और देखते रहिए टेक्निकल इरशाद अहमद। तो दोस्तों मैं आ गया अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और सबसे पहले अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लूंगा। वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद दोस्तों ये चीज आप लैपटॉप में भी सेम कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लूंगा, मैं बाय डिफॉल्ट इंटरनेट वाला वेब ब्राउजर ओपन कर लेना अपने मोबाइल में। उसके बाद सर्च बार में सबसे ऊपर डालूंगा राउटर के आईपी एड्रेस जो कि आपको राउटर के पीछे भी मिल जाएगी, ये 192.168.1.1 ये है मेरे एयरटेल एक्सट्रीम का आईपी एड्रेस। उसके बाद कर दूंगा लॉगिन। अब यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो यूज़र नेम और पासवर्ड बाय डिफॉल्ट जो है इस समय मेरा राउटर का एडमिन और एडमिन है, तो इसको डाल दूंगा। ये यूज़र नेम पासवर्ड और आईपी एड्रेस सारी डिटेल आपके राउटर के पीछे लिखी होती है, आप एयरटेल एक्सट्रीम के राउटर के पीछे बैक साइड में आप देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद आपको दोस्तों अपने राउटर के अंदर कर देना है लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इस साइड में देखिए सिक्योरिटी के बगल में फिल्टर का ऑप्शन है, सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पर रूल टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर कुछ इनेबल कर देना है, कुछ ऑप्शंस को इनेबल करना है, ये रूल टाइप में जा करके यहाँ पर हमको करना है ब्लॉक डिवाइस को, तो ब्लॉक लिस्ट वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ब्लैक लिस्ट वाले ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम कर देंगे डन। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर मैक फिल्टरिंग का ऑप्शन है, उसको हम कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट नो रहता है, इसको हम कर देते हैं यस। और क्या ब्लॉक करना है, हमको इंटरनेट ब्लॉक करना है तो इंटरनेट पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे है आपका मैक एड्रेस का, ठीक है, मैक एड्रेस फिल्टरिंग का। तो यहाँ पर जिस भी डिवाइस को आपको ब्लॉक करना है यहाँ पर आपको उस डिवाइस का मैक एड्रेस डालना है। जैसे मैं अपने इसी मोबाइल को ब्लॉक करने जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले इस मोबाइल का मैक एड्रेस पता होना चाहिए, तो मैं वाईफाई की सेटिंग में जाऊँगा, एडवांस में जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपने इस मोबाइल का मैक एड्रेस ले लेता हूँ। ये नीचे सबसे नीचे देखिए मैक एड्रेस है, इस मैक एड्रेस को हम वहाँ पर जाके उस वाले ऑप्शन में डाल देंगे। देखिए ये हमारा मोबाइल का मैक एड्रेस है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ और जिससे मैं इसी वाईफाई से कनेक्ट हूँ। वाईफाई से कनेक्ट होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इस मोबाइल को मैं ब्लॉक करूँगा, तो इस मोबाइल का मैक एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर इस मोबाइल के मैक एड्रेस को हम पेस्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही अप्लाई करेंगे और यहाँ पर सारी डिटेल हमको डाल देना है, मैक एड्रेस डाल देना है, ठीक है, और मैक फिल्टरिंग को इनेबल कर देना है, ब्लॉक लिस्ट को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये हम जिस मोबाइल से अपना वाईफाई कनेक्ट किए हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, ये लोडिंग होने के बाद देखिए डिसकनेक्ट हो चुका है, मतलब अब ये जो डिवाइस है हमारी पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। अब ये मोबाइल हमारा इस नेटवर्क से, एयरटेल एक्सट्रीम के फाइबर के नेटवर्क से, राउटर से कनेक्ट नहीं हो सकता है क्योंकि हमने इस मोबाइल का जो मैक एड्रेस है वही ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी डिवाइस को अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसका मैक एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अब ये देखिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट नहीं हो रहा, कनेक्टेड विदाउट इंटरनेट लिख करके आ रहा है, मेरा एयरटेल एक्सट्रीम का फाइबर का जो वाईफाई नेम है। अब इस पर अगर हम सही से पासवर्ड भी डालेंगे, हालांकि मुझे पासवर्ड भी याद है बट मैं एक बार वो भी ट्राई करके देख लेता हूँ, इसको फॉरगेट करके फिर से पासवर्ड डाल करके देखता हूँ, तो दोस्तों फिर भी ये नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हम वाईफाई को फिर से कनेक्ट कर डिसकनेक्ट करके एक बार फिर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने वाईफाई को और इसको फॉरगेट करके हम फिर से एक बार करके ट्राई करके देख लेते हैं पासवर्ड डाल के कि ये कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए डेली कुछ ना कुछ लेकर के आता रहूँ, ठीक है। क्योंकि
मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, मैं सीखता हूँ और सोचता हूँ कि आपको भी कुछ नया सिखा के जाऊँ अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, देखिए एयरटेल फाइबर का जो राउटर है मेरा एक्सट्रीम वाला, वो अब कनेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। कनेक्टिंग तो दिखा रहा है बट ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो दोस्तों एयरटेल एक्सट्रीम के फाइबर में सेटिंग में जा करके मैंने इस मोबाइल के मैक एड्रेस को ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारे इस मोबाइल का जो मैक एड्रेस है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। हम वाईफाई का पासवर्ड डाल के देख लेते हैं कनेक्ट होता कि नहीं होता। दोस्तों पासवर्ड डाल रहा हूं और कनेक्ट पर क्लिक करूंगा तो देखिए आ रहा है कांट कनेक्ट दिस नेटवर्क। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।